हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की दो हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज। आइए बनाते हैं। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मूंग धुली दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे सोक करके रखा था। अब हम इसको पीसेंगे। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। क्योंकि ज्यादा पानी डालने से फिर ये पतली हो जाएगी। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। ये भी हमारी दाल के साथ ही पिस जाएंगी। आइए अब हम इसका फाइन पेस्ट तैयार करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी और बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो देखिए, ये हमारा इंस्टेंट बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती और इसे इंस्टेंट ही बना सकते हैं। आइए अब हम अपनी वेजेस चॉप कर लेते हैं। वेजेस चॉप करने के लिए मैंने यहाँ पर अगारो का इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है। आइए अब हम अपनी वेजेस चॉप करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर और 2 प्याज लिए हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी बारीक वेजेस काट सकते हैं। ये देखिए, हमारी वेजेस चॉप हो गई हैं। अब मैं इसमें पनीर ग्रेट करूंगी। पनीर ग्रेट करने के लिए मैंने इस तरह से एक ग्रेटर लिया है। अब इसको हम मोटे वाली तरफ से पनीर ग्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम ग्रेट करेंगे। इस तरह से हम इसको ग्रेट करेंगे। ये देखिए, हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमने अपनी फिलिंग बनाई है। इसमें अभी मैंने नमक और मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि नमक पानी छोड़ जाता है। तो नमक हम जब हम चीला बनाएंगे तभी हम ऊपर से नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। पनीर डालने से इसमें हमारी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही इसमें जो हमने मूंग दाल यूज़ करी है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है। और साथ में जो ये वेजेस हैं, शिमला मिर्च, गाजर, अनियन, ये भी हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बैलेंस्ड मील है। आइए अब हम इसके चीले बनाते हैं। चीले बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नॉनस्टिक तवा लेंगे। उस पर हम थोड़ा सा पानी के छींटे लगाएंगे। इससे ये पता लगेगा, इस तरह के बबल्स आ लीजिए, कि हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर अपना बैटर डालेंगे। अब हम किसी करछी की हेल्प से इस पर हम अपना बैटर डालेंगे। इसको अच्छे से घुमाएंगे। तो
गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे। ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ब्रश की हेल्प से चारों तरफ ऑयल डालेंगे ताकि हमारा चिपके ना चीला। अब हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। फिलिंग को हम अपने पूरे चीले पर डालेंगे। इस तरह से हम इसको फैलाकर भरेंगे। इसमें हमने पहले नमक नहीं डाला था, तो अब इसमें हम पसे इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, और इसको हम किसी पलटे की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे हमारी सारी वेजेस दब जाए और बाहर ना निकले। अब इसको हम दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे। ये देखिए हमारी चीले का कितना अच्छा कलर आया है और कितना क्रिस्प लग रहा है। देखिए अब इस तरह से हम अपने चीले को फोल्ड करेंगे। ये हमारा चीला बनकर तैयार है। इसी बैटर से अब हम मूंग दाल का डोसा बनाएंगे। दो बर्ची मूंग दाल ले रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा बैटर को पतला करेंगे पानी डाल के। क्योंकि डोसा के लिए बैटर पतला होता है। इसमें हमने 1/4 कप पानी डाला है। अब हमारा बैटर रनिंग है। अब हम इसका डोसा बनाएंगे। कि हमारा नॉनस्टिक तवा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूंगी। अब हम बैटर को हिलाएंगे और इसको हम इस तरह से पैन पर डालेंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे।
फिलिंग आप अपनी मर्जी की बनाकर भी डाल सकते हैं, जो सी आप खाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स की फिलिंग्स बनाई है। आप चाहे तो सिर्फ पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे फिलिंग में, थोड़ी सी काली मिर्च, अब इसको हम देखिए हमारा मूंग दाल का डोसा बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा डोसा और चीला बनकर तैयार है। एक ही बैटर से हमने दो तरह की रेसिपी बनाई है। ये देखिए ये हमारा चीला बनकर तैयार है। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस तरह से आप बच्चों को टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये हमारा डोसा बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी हेल्दी रेसिपी है। आप भी बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।